की बड़ी खबर, निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर कर रहा है कारोबार, 22,794 के पार निकल चुका है, ये प्रीवियस हाई था उसके पार निकल चुका है निफ्टी। और आज ही के आज अब हम देख रहे हैं कि शुरुआत काफ़ी सुस्त हुई थी बाजार की, लेकिन उसके बाद शानदार तेजी देखने को मिल रही है, 190 अंक ऊपर है निफ्टी और पहली बार 22,800 के पार निफ्टी दिखाई दिया, 22,800 आज का नया हाई बना है और शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। तो रिकॉर्ड लेवल्स पर बाजार हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि चौतरफा खरीदारी का माहौल है, लीड क्लियरली लिया आज बैंक निफ्टी ने। हम बार बार बोलते हैं कि जब तक बैंक निफ्टी चलना शुरू नहीं करेगा निफ्टी को सपोर्ट नहीं आएगा, और आज बैंक निफ्टी जो कि वीक नज़र आ रहा था काफ़ी समय से, वो मोमेंटम मिसिंग था बैंक निफ्टी में, आज वो मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिखाया है। और जैसे ही बैंक निफ्टी ने तेज़ी पकड़ी, सभी शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, दिग्गज बैंकिंग स्टॉक से जो सपोर्ट आया 700 पॉइंट्स ऊपर, देखिए बैंक निफ्टी आज के दिन कारोबार कर रहा है, 48,500 के ऊपर का हाई आज के दिन बैंक निफ्टी ने भी लगाया और क्लियरली उसे सपोर्ट मिला आज निफ्टी को भी। निफ्टी बहुत समय से चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन आज वो स्ट्रेंथ लौटी, बाजार में 22,800 के पार निकल चुका है। सभी एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर 22,650 के लेवल के ऊपर टिका रह गया बाजार तो फिर हम नए हाइस देखेंगे, और आज के सत्र में वो हो भी गया। वीकली एक्सपायरी भी थी, 14 सत्र बाद फिर नया, केवल मात्र 14 सत्र लगे, 14 ट्रेडिंग सेशन लगे जब मार्केट नया हाई बनाया। और इस बीच हम आपको इंडिया विक्स अगर बार बार दिखाए, काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी देखने को मिल रही थी, बाजार में नर्वसनेस थी, चुनावी माहौल था, इस बीच हम नर्वसनेस भी काफ़ी देख रहे थे, लेकिन उन सब को आप पीछे छोड़ते हुए निफ्टी लगा चुका है नया हाई। और इसमें कंट्रीब्यूट सभी के सभी इंडाइसेस कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप शेयर्स, यहाँ से भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आज हमने देखा कि बाजार खुलते से ही निफ्टी मिड कैप भी रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा था, तो मोमेंटम पॉजिटिव है, बाजार का ऑल टाइम हाई के पास बाजार कारोबार कर रहा है। हमारे साथ चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं। चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। वैसे तो चर्चा किसी और बात पर होनी थी लेकिन नजर बाजार पे चली गई, शो की शुरुआत में ही रिकॉर्ड लेवल्स बन गए और ऐसे समय पर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है आज ही के दिन बाजार में, काफी दिन से वॉलिटिलिटी बना हुआ था, एक रेंज में कारोबार करा था, लेकिन आज जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखी बाजार में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये तेजी कितनी टिकाऊ है? कितना 22,800 के पास जो हम निकले हैं, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये लेवल्स? बिल्कुल, देखिए बाजार ने वापस एक नए शिखर, नए कीर्तिमान स्तर को छुआ है। मेरे हिसाब से पिछले 8-10 दिन का जो स्ट्रक्चर था, निफ्टी ने 21,800 के आसपास के बॉटम बनाए और वहां से रिकवरी दी, और इवेंट से पहले बाजार एक नए सेटअप और नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। मेरे हिसाब से बाजार में और बड़ी तेजी बननी चाहिए। ओनली एक ही कंसर्न है कि आपका इंडिया विक्स कूल डाउन नहीं हो रहा है, और वो होगा भी नहीं क्योंकि जब तक इवेंट और इलेक्शंस रिजल्ट आउट नहीं होते तब तक वहां पे बड़ा ब्रेक नहीं होगा। बट जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो सेलेक्टिव सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप सेलेक्टिव ऑटो की बात करें, शिपिंग की बात करें, डिफेंस की बात करें, या फिर कुछ दिग्गज प्राइवेट बैंक की बात करें, बाजार का दिशा और दशा एक सकारात्मक रवैया बता रही है। तो हमारा यही मानना है कि ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। जब तक निफ्टी 22,450 के जोन को होल्ड करता है, हमारा मानना है 23,000 और 23,500 तक के टारगेट बनने चाहिए। पोजिशनली कोई इवेंट के लिए जिक्र करना चाहता है तो हमारा ऐसा मानना है कि 22,222 से लेके ऊपर में 24,000 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे आप शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर मीडियम टर्म की बात करें, बाजार का रुख है वो पॉजिटिव दिशा और पॉजिटिव दृष्टिकोण दे रहा है। हमारा मानना है कि नए हाई के बाद 23,000 का एक माइलस्टोन और फिर रैली 24,000 तक के लिए बढ़ती जानी चाहिए, और इस पूरे मूवमेंट में सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक, डिफेंस, शिपिंग और चुनिंदा ऑटो काउंटर का दमदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो दिग्गज हैवी वेट काउंटर्स देखिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर आपको निफ्टी के टॉप गेनर्स इस वक्त बताएं तो
पॉइंट वाइज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक्सिस बैंक से देखने को मिल रहा है। सुबह अगर आप हमें सुन रहे हो, हमने ये स्टॉक हाईलाइट भी किया था कि बाजार को अगर आगे बढ़ना है, बैंक निफ्टी का चलना जरूरी है, एक्सिस बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं वहां से सपोर्ट आना जरूरी है। और देखिए बैंकिंग स्टॉक्स चल भी रहे हैं इस बीच, एक्सिस बैंक 3.5% ऊपर है, इंडसइंड बैंक से सपोर्ट है, बंधन बैंक, SBI, ऑटो स्टॉक्स जो कि चंदन भी हाईलाइट कर रहे हैं, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ये हैवी वेट काउंटर्स चल रहे हैं आज के दिन, जिससे कि मार्केट को स्ट्रेंथ मिल रही है इस वक्त। और आपको बता दें कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3 मई को ही बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया था, और केवल 14 दिनों में भारी उतार चढ़ाव के बाद, क्योंकि इस बीच हमने 22,000 के नीचे भी फिसलता हुआ देखा था मार्केट को, और इस भारी उतार चढ़ाव के बीच आज फिर से एक स्ट्रेंथ लौटी है। और चंदन से हमारी बात भी हुई थी, वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ आगे भी कंटिन्यू रहे।